रास्ते का स्थिति देखिए, बाप रे बाप, यह देखिए बहुत काफ़ी डैमेज है रोड। आप लोग देख सकते हैं गौशाला चौक है, ये रास्ता आपको चला जाएगा रामबाग की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं बाबा शक्तिनाथ, यहाँ पर देखिए कुछ भी पर कस्टमर देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं हम आप लोगों को, यह देखिए पूरा दुकान सजी हुई है पर कावर यही है। तो देखिए तीस की दुकान सजी हुई है, आप लोग देख सकते हैं हर कलर है। डिजाइन प्रियंका साड़ी पहन रहे हैं, तो अनका टेक्सटाइल, कितना सुंदर सुंदर कपड़ा सब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं बहुत कम भी देखने को मिल रहा है इसका। और ये वाली दुकान में देखिए बाबा 555 है, इसमें माय गॉड आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए कितना अच्छा सजा हुआ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ से फिर से आप लोगों को थोड़ा इस वीडियो में हम दिखा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी और स्वागत है आप लोगों को राजीव सोनी यूट्यूब चैनल में। चलते हैं आप लोगों को मार्केट का नज़ारा दिखाते हैं। 9 सितंबर को तीज है और मार्केट चल के आप लोगों को दिखाते हैं मार्केट का क्या स्थिति है और मार्केट में कितना भीड़ भड़का है, कहां पे क्या 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 चीज़ मिल रहा है। आप लोगों को पूरा जानकारी इस वीडियो के मार्फत से हम देंगे। चलते हैं हम, पहले चलेंगे गौशाला चौक पर, वहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे और मार्केट की तरफ चलेंगे। कल्याणी मोती झीली है, चारों तरफ हर जगह चल के आप लोगों को दिखाएंगे कि कल तीज का मार्केट में कितना भीड़ है, क्या स्थिति है। तो सारा चीज़ आप लोग इस वीडियो के मार्फत से बताएंगे। तो आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिए। कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए, वो इंस्टाग्राम का आईडी वहाँ भी फॉलो कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं, आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। अभी हम बेला से चलते हैं गौशाला चौक, आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी हम बेला रोड में है, जो बेला से मस्जिद चौक की तरफ चली जाती है। आप लोग देख सकते हैं रास्ते का स्थिति देखिए, बाप रे बाप, यह देखिए बहुत काफ़ी डैमेज है रोड। आप लोग देख सकते हैं पूरा रोड टूटा हुआ है। ओहो, अंधेरा में कोई अगर आदमी आए, नया आदमी, तो गिर भी सकता है इस पानी में। तो चलते हैं हम आप लोगों को गौशाला चौक, पहले दिखाते हैं कि वो मार्केट में चहल पहल कितना है, सारा आप लोगों को इस वीडियो के मार्फत से हम बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। और 9 सितंबर को तीज है, आज है 8 सितंबर। चल के आप लोगों को पूरा हम इस वीडियो के मार्फत से दिखाते हैं, आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। या देख सकते हैं पानी के वजह से हर जगह जगह का रोड का स्थिति काफ़ी डैमेज हो चुका है, काफ़ी ख़राब हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं देखिए, ओह माय गॉड, ओह हो, ओह 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 ओह, अरे बाप रे बाप रे बाप, हम मस्जिद चौक पे, ये रास्ता आपको चला जाएगा कन्हौली की तरफ। और अभी हम चलते हैं गौशाला की तरफ, आप लोग देख सकते हैं मस्जिद चौक है। आज भीड़ भड़क का मार्केट में नज़र नहीं आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। आज 8 तारीख है और 9 तारीख को तीज है, आप लोग देख सकते हैं कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विश्वकर्मा पूजा की तैयारी हो रही है, या देखिए विश्वकर्मा भगवान बन रहा है। और आप लोग देख सकते हैं गौशाला चौक है, ये रास्ता आपको चला जाएगा रामबाग की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं बाबा शक्तिनाथ मंदिर है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, आप लोगों को हम दिखाते हैं।
कुछ खास नहीं दिख रहा है मार्केट में, कहाँ से खास दिखेगा। अभी हाल ही में कोरोना वायरस से सारे देश परेशान थे, हर आदमी के आमदनी आना बंद हो गया हुआ था और पर्व सवाब चालू हो गया है, कहाँ से होगा। अब हम राजीव कमल चौक पे आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये राजीव कमल चौक है। ये रास्ता हमें चेक नहीं चला जाएगा और इस रास्ते से हम चल रहे हैं पानी टैंकी के तरफ और दिखाते हैं आप लोगों को। अभी हम चर्च देख रहे हैं भाई, तो अभी आप लोग देख सकते हैं पानी टैंकी चौक है और वो फोर व्हीलर वाले को देखे हैं आप लोग, साइड नहीं दे रहे थे और मेरा कैमरा खुश हो गया था। आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ किस प्रकार एकदम डायरेक्ट दाहिना चाप। आप लोग देख सकते हैं पानी टंकी चौक है, यहाँ पे देखिए आपको हर प्रकार के ताज़ा फल मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा दुकान है यहाँ पे लाइन से पानी टंकी चौक से लेकर आपको तेजी में गुरुद्वारा, आप लोग जानते ही होंगे गुरुद्वारा तक दोनों तरफ फल की दुकानें आप लोग देख सकते हैं, दोनों तरफ फल की दुकान सजी रहती है। आप लोग यहाँ पे आते हैं तो एकदम ताज़ा फल मिलेगा, आप लोग चाहे जितना भी ले सकते हैं वो आप लोग पर डिपेंड करता है। आप लोग देख सकते हैं गुरुद्वारा के पास आए हैं, आप लोग देख सकते हैं रमना का गुरुद्वारा और हम चलते हैं आगे देवी मंदिर के तरफ। देख सकते हैं ये रमना देवी मंदिर है, और ये आप लोग देख सकते हैं एवरीडे मार्ट। अभी हम चलते हैं आगे, राधा कृष्ण का मंदिर आप लोगों को सामने दिख रहा है। इस जन्माष्टमी में हम यहाँ का वीडियो दिए हैं, बहुत अच्छा बहुत लगा हमें और काफ़ी धूमधाम से यहाँ पे पूजा हुआ था। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे, और आप लोग देख सकते हैं हम अभी हरिसभा चौक पर आ गए हैं, हरिसभा चौक पे हैं आप लोग देख सकते हैं। ये रास्ता आपको छोटी कल्याणी चला जाएगा और ये रास्ता बड़ी कल्याणी चला जाएगा और ये आप लोग देख सकते हैं आम गोला ओवर ब्रिज होते हुए आप लोग आम गोला चले जाएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं बड़ी कल्याणी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा रेडीमेड दुकान सजी हुई है, कपड़ा की आपको हर प्रकार का कपड़ा मिल जाएगा, दोनों तरफ यहाँ पर कपड़ा मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ कपड़ा की दुकान है, हर प्रकार का हर डिज़ाइन हर कलर में आप लोगों को यहाँ लेडीज जेंट्स सारे कपड़ा आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा दुकान है यहाँ पे, यहाँ देखिए कल्याणी सलवार सूट हर प्रकार के कपड़ा आपको मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशलिस्ट लेडीज़ का है, ये ब्लाउज बोलते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कुछ दुकानें सजी हुई है, कल पर्व है। और हम चल रहे हैं अभी आगे कल्याणी चौक के तरफ, आप लोग देख सकते देखो क्योंकि दोनों तरफ दुकान सजी हुई है, आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ दुकान है कपड़ा की। और यहाँ पे कौन कौन आदमी आप लोग रोल खाते हैं आकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। देखिए यहाँ पे तीन चार दुकान है रोल की, और यह देखिए अभी हम बड़ी कल्याणी चौक पर आ गए, आप लोग देख सकते हैं मार्केट तो सजा हुआ है अच्छा खासा, पर कस्टमर देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, दिखाते हैं हम आप लोगों को, या देखिए पूरा दुकान सजी हुई है पर यहाँ पे कस्टमर कभी नहीं, पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम चलते हैं सरैयागंज टावर की तरफ और आप लोगों को सरैयागंज टावर भी चल के आप लोगों को हम दिखाते हैं। ये रास्ता आपको मोती झील की तरफ चला जाएगा, आप लोग देख सकते हैं पानी तो पूरा सूख गया मोती झील में क्योंकि आज कई दिन से बारिश नहीं हुई। तो अभी हम चल रहे हैं जवाहरलाल रोड और आप लोगों को दिखाते हैं सरैयागंज टावर पे चलेंगे। सरैयागंज टावर चलने के बाद हम चलेंगे गरीब स्थान के तरफ, तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। और ये यार मार्केट में जो है ना कि काफ़ी
प्रॉब्लम होती है चलने में, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और यार पैदल चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग कल का वीडियो देखे होंगे कि कल जो है से कि हम पैदल ही गए हैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे बाइक में तेल नहीं था भैया। तो आज हमने 50 का तेल डलवाया और फिर जा रहे हैं आप लोगों के लिए। कल तीज का पर्व है, कल तीज है, तो हम चलते हैं मार्केट, और मार्केट चल के आप लोगों को हम दिखाते हैं कि मार्केट में क्या कितना भीड़ है, क्या है। मार्केट में काफ़ी प्रॉब्लम होती है चलने में यार, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप लोग देख सकते हैं फोर व्हीलर रोड पे ही लगाकर शॉपिंग करने चले जाते हैं आदमी लोग, यार बहुत दिक्कत होता है। और सरकार जो है जैसे कि बोलता है कि भाई अतिक्रमण हटाओ, दुकान हटाओ, दुकान जो होता है रोड के साइड में उसको हटाओ, उसके वजह से जाम लगता है। अरे भैया वो लोग गरीब आदमी है, किसी तरह पेट पाल रहा है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये सब दुकान देखो कहाँ पे लगाएगा, यहीं पे अगर दो चार फोर व्हीलर लगा देगा, इससे डिस्ट पर नहीं है किसी को, इससे कोई जल्दी बोलता भी नहीं। पर दुकानदार लोगों को जो है इसे कि हटा दिया जाता है, हटाओ हटाओ हटाओ, अतिक्रमण आ गया, खाली करो, बहुत प्रकार का झमेला है। चलिए थोड़ा हमें बोलना पड़ता है इसलिए कि आपको हम बता ही देते हैं आज की वीडियो में। भाई हम भी जो है ना, हम भी कोई बहुत बड़ा सर्विस मैन बिजनेस मैन है, आप लोग देख सकते हैं माई स्थान है ये घेरनी पोखर का। हम भी जो है से कि हमारा भी दुकान रोड के ही साइड में है। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो हमें जानते हैं कि हमारा दुकान कहाँ है। तो हमारा भी दुकान रोड के साइड में, हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, इसी वजह से हमको बोलना पड़ता है ये सब बात। खैर चलिए आगे, हम तिलक मैदान रोड में है, सॉरी अभी हम जवाहरलाल रोड में हैं, आप लोग देख सकते हैं चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मुजफ्फरपुर का नंबर वन रामा हार्डवेयर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हर प्रकार का आपको यहाँ पे टेंट मिलेगा, सैनिटरी का सामान मिलेगा, हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पे आकर सर्विस ले सकते हैं। चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं, बस थोड़ा आगे सरैयागंज टावर है, आप लोगों को हम लेकर चलते हैं, सरैयागंज टावर दिखाएंगे, उधर से थोड़ा गरीब स्थान देखते हैं, गरीब स्थान के तरफ चलेंगे और वहाँ से चलेंगे इस्लामपुर। इस्लामपुर में क्योंकि बहुत सारा वहाँ पर लहसी की दुकान है, वहाँ भी चल के आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है कि हर प्रकार के लहसी की दुकान है, वहाँ आप लोगों को हर लेडीज़ वहाँ पहुँचती हैं लहसी ये सब लेने के लिए। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे और आप लोगों को हम दिखाते हैं, देख सकते हैं यार काफ़ी भीड़ है। फोर व्हीलर वाला जो है ना सामने, ये जल्दी साइड नहीं दे रहा है किसी को, आप लोग इस रास्ते से भी जा सकते हैं इस्लामपुर, देख रहे हैं या देखिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है मार्केट में चलने में भैया, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप लोग देख सकते हैं सामने, देखिए श्री बंसी स्वीट्स है। अब हम आगे निकल रहे हैं, अब हम आगे निकल रहे हैं, हम निकल रहे हैं। ओहो, फिर घोटाला हो गया, फिर घोटाला हो गया भाई, फिर हम आगे नहीं निकल पाए। और देखिए बहुत दिक्कत होता है यार मार्केट में चलने में, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ये देखिए भारत जलपान है, आप लोग देख सकते हैं बगल में, देखिए वैशाली है, उसके बगल में महाराजा है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये महाराजा है, देखिए आप लोग मुजफ्फरपुर से हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि महाराजा स्वीट फार्म कहाँ पे है। उसके बगल में आप लोग देख सकते हैं कपड़े की अपनी दुकान, द बेस्ट के द बेस्ट मॉल है, आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे सेल सेल सेल, द बेस्ट 50% ऑफ चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और क्या क्या चीज़ पे ऑफ दे रहा है अभी हम आपको बता देते हैं थोड़ा नज़दीक करके। ऑन साड़ी, सूट, लहंगा रेडीमेड एंड ओ भैया एंड शूटिंग शर्टिंग, हर चीज़ पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल रही है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं कपड़े की अपनी दुकान द बेस्ट।
आप लोग देख सकते हैं अभी हम सीता पट्टी जो नंबर पे आप लोग देख सकते हैं ये रास्ता आपको चला जाएगा सीता पट्टी। अरे यार रिक्शा वाले भैया साइड दे दे यार, ये रास्ता आपको सीता पट्टी की तरफ चला जाएगा और ये हम लोग अभी चल रहे हैं सरैया गंज टावर पे। आप लोग देख सकते हैं सरैया गंज टावर पे हम हैं, देख सकते हैं यार देखिए सरैया गंज टावर यही है। शाम का टाइम है अभी, फिर भी उतना रस नहीं है मार्केट में, मज़ा नहीं है क्योंकि इतना बड़ा चीज पड़ रहे पर आप लोग देख सकते हैं। ओ हो माय गॉड आप लोग देख सकते हैं, या देखिए कोई खास यहाँ पर भीड़ भाड़ का नहीं है। नो 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 देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये ऑटो वाला के देखिए ऐसा थूक फेंका कि मेरे पैर पे पड़ गया। अरे भैया आराम से थूक फेंक लो यार, पैर पे क्यों छिटका उड़ा रहा है भाई, थूक फेंकिए ठीक से थोड़ा, हाँ थोड़ा आराम से थूक फेंकिए। देख रहे हैं भैया का देख लीजिए ऑटो चला रहे यार, कैसे थूक फेंक रहा है पता नहीं, कम से कम ध्यान दे देना चाहिए आस पास है भाई कि आदमी चल रहा है मार्केट है। अभी चाहता तो ना उसका बैंड बजा देता, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा कपड़े की दुकान है यार, देखिए आप लोग देख सकते हैं देखिए बहुत सारा दुकान यहाँ पर सजा हुआ है। चलते थोड़ा आगे आपको पंकज मार्केट है, पंकज मार्केट के पास चलते हैं, आप लोग देख सकते हैं देखिए तीस की दुकान सजी हुई नज़र आ रही है, दोनों तरफ देख सकते हैं या देखिए आप लोग देख सकते हैं। भैया हो तो सर देखा है कि ना, कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो कैसा लगा है थोड़ा सा कि अभी आप लोगों को लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर करके बता रहे हैं भाई, आप लोग क्या सोच रहे हैं भाई, कैसे कैसे बात कर रही है। ओ माय गॉड भाई ये पंकज मार्केट की रास्ता है और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भीड़ काफ़ी जाम, ओहो ओहो। चलिए हम दिखाते हैं आप लोग को चल के आगे, माँ शाकाम्भरी पेड़ा भंडार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ के समोसा लिट्टी जो है ना, और इन्हें और समोसा लिट्टी मिलता है और ये क्या हो इसको बोलते हैं इसका नाम यहाँ का बहुत फेमस है बाप, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा यहाँ का वीडियो हम एक दिन आप लोगों को बना कर दिखाएंगे और आप लोगों को एक समोसा के भी दुकान हम दिखाए हैं जो आपको कलमबाग चौक के हैं, शंकर समोसा आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो हाँ आप लोग शंकर समोसा सर्च कीजिए हमारे चैनल पर जाकर आप लोगों को मिल जाएगा। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है वो वीडियो अपलोड किए हुए, आप लोग देख सकते हैं देखिए भीड़ काफ़ी है, बराबर के लिए काफ़ी भीड़ है इधर काफ़ी, तो काफ़ी भीड़ है ऐसे भी मार्केट में थोड़ा बहुत भीड़ रहता ही नहीं है सब जगह पे, हमेशा रहता है हमेशा लखन स्वीट यहाँ सभी प्रकार की मिठाइयाँ पनीर खोवा का ऑर्डर लिया जाता है, आप लोग देख सकते हैं छोटा सा दुकान है और यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। ओ माय गॉड अरे भैया जल्दी जल्दी हमको साइड दे दीजिए भाई मेरे, क्योंकि मेरे बाइक में तेल ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमें जाना पड़ेगा गाड़ी को तेल ठाल के ले जाना होगा, तेल ठाल के क्योंकि भाई 50 का ही तेल डलवा है आप लोगों को आज मार्केट में घुमाएंगे और मार्केट में दिखाने के लिए कि कहाँ पर क्या चीज़ मिलता है। सॉरी मार्केट में क्या चीज़ मिलता है वो तो सही बात है, और एक चीज़ और जो है जैसे कि 9 तारीख को तीज है तो अभी हम 8 तारीख के मार्केट में हैं, आप लोगों को दिखाएंगे कि मार्केट में तीज का क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये रास्ता आपको गोला पर चला जाएगा दुर्गा स्थान, और अभी हम चल रहे हैं बाबा गरीबनाथ मंदिर की तरफ, आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, आप लोग देख सकते हैं। ओ भाई
जल्दी जल्दी भाई हमको साइड दे, तो भाई तेल ख़त्म हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। मेरा बाइक में काफ़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हम आज 50 का ही तेल ले रहे हैं भाई, और मेरा बाइक जो है एवरेज नहीं दे पाता है, पता है 25 से 30 एवरेज देता है, मात्र 25 से 30, इसलिए यार काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर विश्वकर्मा पूजा की तैयारी एकदम जोर शोर से है, या आप लोग देख सकते हैं 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा है और यहाँ का वीडियो हमको बनाना है। आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ दुकान देखिए सजी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ हम आप लोगों को वीडियो, ओ माय गॉड, आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए कितना अच्छा सजा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अभी पानी नहीं आ रहा है ना, मज़ा आ गया भाई। तो हम इधर कहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं क्योंकि हमें इधर नहीं जाना है, हम लोग यहाँ से रिटर्न होते हैं। आप लोग देख सकते हैं भैया का भी हम वीडियो दिए थे, वहीं पे आए हैं, ओरिजिनल पुराना अवरार बैंड आप लोग देख सकते हैं जो हम यहाँ का वीडियो दिए थे, क्या बोलते हैं अभी रक्षाबंधन भैया से थोड़ा। आप लोग देख सकते हैं ओरिजिनल अवरार बैंड यहाँ से, फिर से आप लोगों को थोड़ा इस वीडियो में हम दिखा देते हैं, और रक्षाबंधन वाला भी वीडियो में भी आप लोगों को दिखा है। आप लोग देख सकते हैं शादी ब्याह पार्टी फंक्शन किसी भी प्रकार के शुभ अवसर पे आप लोगों को बैंड गेट लाइट ये सब आपको चाहिए तो आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। इनका ये छाता बाजार में ऑफिस है, आप लोग देख सकते हैं, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, पर वहाँ कुछ स्टिकर लगी हुई है इसके वजह से नहीं दिख रहा है, और आप लोगों को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप लोग देख सकते देखो ओरिजिनल पुराना अपराध बैंड, इनका कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो हम चलते हैं आते हैं घुमाते हैं कहाँ कहाँ पे भीड़ है। आप लोगों के अगर लाइट के लिए आप लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट सूरज नागवंशी आप लोग देख सकते हैं। मिलन गेट लाइट नोट हमारे यहाँ शीश महल गेट एलईडी झाड़ झूमर ट्रॉली झाड़ पंजाबी भांगड़ा एवं बॉगी उपलब्ध है, सारा चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा पाता छाता बाजार मुजफ्फरपुर। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे देंगे। अथी का भैया जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सूरज नागवंशी। अच्छा जी, किस नाम से है आपका? मिलन गेट लाइट। तो यहाँ इसमें जो भी चीज़ दिख रहा है सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर आपका है? कॉन्टैक्ट नंबर यही है 91-49-1494-1। अच्छा, तो हम कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं जो भी चीज़ आप लोगों को चाहिए सारा चीज़ आपको मिलेगा, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं हम मार्केट में, आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं छाता बाजार में बहुत सारा बैंड है, बहुत सारे बैंड है यहाँ पे, हर प्रकार का बैंड है यहाँ पे। आप लोग आते हैं यहाँ पे खुद से तो खुद डिसीजन कर सकते हैं कि आप लोग कौन सा बैंड चाहिए। यह देखिए अभी हम कहते हैं सीता पक्षी के तरफ, और आप लोगों को दिखाते हैं आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और जोर से रही आ गए आप लोगों को दिल्ली हैंडलूम का अपडेट हम दिए थे एक वीडियो, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, सामने देखिए वहाँ पे दिल्ली हैंडलूम है, आप लोगों को दिख रहा है देखिए दिल्ली हैंडलूम है वहाँ पे। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पे हर प्रकार का आप लोगों को घर में जो भी चीज़ आप लोग यूज करते हैं, बेडशीट कम्बल चादर तकिया पर्दा, आपको हर चीज़ वहाँ पे मिलेंगे एकदम चीप एंड बेस्ट रेट में। आप लोग वहाँ जा सकते हैं और आनंद लीजिए, वहाँ जाकर खरीदारी कीजिए। आप लोग देख सकते हैं अभी हम आ गए हैं कंपनी बाग जामा मस्जिद के पास, देख लीजिए। अभी हम आ गए हैं कंपनी बाग जामा मस्जिद, आप लोग देख सकते थे सामने जवानों की, और यहीं का वीडियो एक हम आप लोगों को दिए थे जो बकरा मार्केट, आपको हम लेके चलते हैं सूता पट्टी की तरफ, देख सकते हैं हम चलते हैं सूता पट्टी, और सूता पट्टी में आप लोगों को दिखाते हैं कि सूता पट्टी में भीड़ भड़क्का का क्या स्थिति है, एकदम पूरा खाली है, आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए।
पूरा खाली है पूरा। और आपको ये रास्ता आपको चला जाएगा बैंक रोड। अभी हम चल रहे हैं सीतापट्टी का मेन मार्केट फैशन एस्पेशा। बहुत सारे दुकान है यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों तरह कपड़े की दुकान है, दोनों तरफ आप लोग देख सकते हैं। होल सेल रिटेल, आपको हर कपड़ा यहाँ पे मिल जाएगा हर दाम में। तो बहुत सारा कपड़े की दुकान है, तो बहुत सारा आप लोग देख सकते हैं सीतापट्टी। देख लीजिए बहुत सारे दुकान में आपको सेल लगा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। देख लो भैया, देख लो दोनों तरफ दुकान ही दुकान, कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान है। आप लोग देख सकते कितना अच्छा अच्छा कपड़ा यहाँ पर। कैसे बाइक चलाता है यार आदमी, समझ ही नहीं आता भाई मेरे यार। आप लोग देख सकते हो आगे चलो, आप लोग देख सकते हो आप कपड़े की रेंज देखो। ओ माय गॉड देखो कितना सुंदर सुंदर कपड़ा लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हो ये हर कलर हट गया, प्रियंका साड़ी पहन रहे हैं, प्रियंका टेक्सटाइल है, बहुत सारे कपड़े की दुकान है यहाँ पे। और भी यहाँ और भी आपको हम रेंज दिखाते, और भी रेंज आपको दिखाते। यहाँ पे देख लीजिए कितना सुंदर सुंदर कपड़ा सब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। आप लोग देख सकते हर प्रकार हर डिज़ाइन हर कलर में आप लोगों को यहाँ पे कलर में देख सकते हैं। आप लोग देख सकते कितना सुंदर सुंदर कपड़ा यहाँ पे लगा हुआ है, देख लीजिए। आप लोग आइए सीतापट्टी में, हर प्रकार का कपड़ा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत अच्छा अच्छा एकदम चिकन देख सकते हैं। हर डिज़ाइन हर कलर में आपको मिल जाएगा। तो अभी हम आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सरगन टावर भी जा सकते हैं और तिलक मैदान भी जा सकते हैं, जवाहरलाल भी जा सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे आप लोगों को लेकर इस्लामपुर। भाई क्या भैया जी, अरे भाई अभी आप लोग देख सकते हैं फिर से भारत जलपान के पास आ गए और हम यहाँ से चलते हैं इस्लामपुर। इस्लामपुर चल भैया, ओ भैये थोड़ा साइड कर ले भैये, ओ भैये ओ भैये, ट्रैफिक पुलिस वाले भैया फराते बीच में। आप लोग देख सकते हो, देखो ये भैया के देखो कैसे ये रोड क्रॉस कर रहे हैं, देख रहे हैं सामने और क्रॉस कर रहे हैं किधर से, हो कैसे कैसे इंसान है यार मार्केट में। आप लोग देख सकते हो ये चला जाएगा आपको तिलक मैदान रोड, हर प्रकार का यहाँ पे आपको दुकान मिलेगी यहाँ पे बिजली से संबंधित। अभी हम चल रहे हैं इस्लामपुर और इस्लामपुर चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा भैया, वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई के लिए। चलिए चलते हैं श्यामा कुंज, राखिया ही राखिया, देख लीजिए रक्षाबंधन खत्म हो गया फिर भैया की दुकान पे गए ना। चलो चलते हैं, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी दुकान, देखिए दोनों तरफ कहीं शो का है, स्लीपर का है, और यह देखिए बाबा बैगल्स, या देखिए बाबा की दुकान में देखिए भीड़। ओह माय गॉड इस साल भीड़ देख सकते हैं आप लोग, बहुत कम भीड़ देखने को मिल रहा है इस साल। और ये वाली दुकान में देखिए बाबा 555 है इसमें कुछ है। तो चलिए आगे चल के हम आप लोगों को दिखाते हैं, लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और आप लोगों को इस्लामपुर में हर प्रकार की दुकान मिलेगी, हर चीज़ की दुकान, होल सेल एकदम होल सेल दुकान है भाई इस्लामपुर में, आपको हर चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है क्या भैया, थोड़ा बता देना, पर कोई बात नहीं है, वीडियो लंबा होगा पर फिर जो है कि हम पूरा वीडियो दिखाते हैं आप लोगों को, आप लोग देख सके। यार यहाँ देख लीजिए न्यू लॉटी सेंटर है, यहाँ का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और भैया का कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग अगर कोई भी चीज़ लेना होगा फरमाइशी से आपको बनवाना, फरमाइश से अगर आप लोगों को लाठी बनवाना होगा तो आप लोग बनवा सकते हैं। चलिए अभी हम चल रहे हैं
आगे की तरफ आगे चलते हैं और आगे हरिसभा चौक, ओ सॉरी आगे धर्मशाला चौक है। चलिए चलते हैं धर्मशाला चौक पे, आप लोगों को लेकर चलते हैं, दिखाते देख सकते दोनों तरफ दुकान सजी हुई, दोनों तरफ दुकान, हर प्रकार की आपको यहाँ पे चीनी लाठी कंगन सेट क्या 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 होता है भाई हमको पता नहीं, लेडीज ही समझे भाई क्या क्या होता है। आप लोग देख सकते यहाँ पे महामाया स्थान संतोषी माता मंदिर, जय माँ संतोषी, आप लोग देख सकते हैं संतोषी माता मंदिर है। और ये रास्ता आपको चला जाएगा मुजफ्फरपुर जंक्शन के तरफ, और ये रास्ता आपको जाएगा मोती झील। देखते हैं अभी हम बैंक रोड में आ गए हैं, याद देखिए ये है बैंक रोड, इस रास्ते से अभी हम चल रहे हैं, ये आपको सूता पट्टी में अटैच हो जाएगा। ओए ओए भैया जी, भैया जी, ओ भैया थोड़ा संभल के चलो, ओ भैया थोड़ा पीछे भी देख लिया करो, भैया तो भाई पीछे देख रहा ही होगा क्योंकि अभी जो भी नया फोर व्हीलर सब आया उसमें पीछे कैमरा लगा हुआ और गाड़ी के अंदर में LCD लगी हुई रहती है, वहाँ सारा चीज़ दिखाई देता है ड्राइवर भैया को। तो आप लोग देख सकते हैं बैंक रोड में, देख लीजिए यही है बैंक रोड मुजफ्फरपुर, देख लीजिए लेमंड शंकर वस्त्रालय, ओहो पूरा सनाता है, पूरा सनाता है, आप लोग देख सकते हैं पूरा सनाता है, पूरा क्या चीज़ का पर्व है भाई, इस पर्व में पूरा सनाता दिख रहा है। और आप लोग देख सकते हैं भाई, देख लो यहाँ पे कोहिनूर कुर्ता कलेक्शन, यहाँ पे आपको हर प्रकार के कुर्ता का रेंज मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं, पर अभी कुर्ता का कोई ज़रूरत नहीं है, कुर्ता पैजामा पहना जाता है होली में स्पेशलिस्ट। और शेरवानी के लिए आप लोग यहाँ से ले सकते हैं शेरवानी, तो उसका वीडियो हम एक अलग से बनाएंगे, सुतरपट्टी बैंक रोड का बहुत अच्छा अच्छा रेंज का यहाँ शेरवानी मिलता है भाई, ओ दिल खुश हो जाएगा। आप लोग अगर आते हैं यहाँ पे आप आकर देखो, हर प्रकार हर डिजाइन हर कलर में आप लोगों को शेरवानी सूट सारे चीज़ें मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम फिर आ गए हैं आपको सूता पट्टी के पास, देख सकते हैं अभी देखिए यहाँ से फिर हम गए सूता पट्टी हो जाएंगे, पर हमको उधर घुसना जाना नहीं है, हम यहाँ से फिर अब रिटर्न होंगे, हम यहाँ से अब रिटर्न हो रहे हैं बैग, आप लोग देख सकते हैं। हाँ तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं बैंक रोड के पास बाद हम अभी आ गए हुए हैं फिर इस्लामपुर में, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मार्केट में कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं, आप लोगों को पूरा मार्केट हम घुमाए हैं दिखाए हैं, पूरा मार्केट खाली है क्योंकि 9 तारीख है तीज है, आज 8 तारीख है, पूरा मार्केट खाली है। तो अभी हम बैंक रोड के पास बाद अभी इस्लामपुर में, भूख लग गई है भाई, तो हम आप लोग देख सकते हैं नाश्ता कर रहे हैं लिट्टी और चना, इस्लामपुर में एक दुकान है बहुत अच्छा दुकान है, यहाँ पे आपको लिट्टी समोसा सारे चीज़ मिल जाएगा, हम चना डाल के आप लोगों को थोड़ा दिखा भी देते हैं, आप लोग देख सकते हैं न्यू नाश्ता घर, यहाँ पे 10 की 4 समोसा मिलता है और लिट्टी भी है, आप लोग देख सकते हैं, और हर चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे, न्यू नाश्ता चाय, पर यहाँ पे अभी चाय नहीं मिलता है, गरम समोसा छोला भटूरा लिट्टी चना चाय गुलाब जामुन रसगुल्ला, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब चीज़ हमें मिल रहा है। तो हम इस्लामपुर में जब भी आते हैं तो भैया हम यहीं से नाश्ता करते हैं, लिट्टी चना हमें काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग इस्लामपुर में आते हैं तो यहाँ पर एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, हम जब भी आते हैं इस्लामपुर में तो भाई यहाँ पर नाश्ता करते हैं, आप लोग देख सकते हैं लिट्टी है चना है और यह देखिए फ्राई मिर्चा, तेल में फ्राई किया हुआ मिर्चा है, और इसमें भैया का हमको सबसे अच्छा क्या लगता है इनका चटनी जो है ना, चटनी हमको काफ़ी पसंद पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम देख सकते हैं सब ये में लिट्टी तोड़ते हैं उसके बाद ऊपर से चना डालते हैं उसके बाद चटनी डालते हैं देख सकते हैं मिर्चा डालते हैं फ्राई मिर्चा। तो चलिए हम नाश्ता करते हैं खाते हैं, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।